नरेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुभान। निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। राम बाण अहि घन सरिस निकर निसाचर भे जब लगी ग्रहस न तब लगी जतन करउ तजी के। मंदोदरी रावण से कहती है श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाओ नारी कर साचा मंगल महू भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई जियई बिचारे निश्चर खाई तम पहिलो तप जाती साता तातु नारी सबीत बड़ी आसा। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उनकी स्त्री डरती हो ये बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसी ताही बुलाई चले सभा ममता अधिकारी मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे वो सभा खबर अति पाई सिंधु पार सेना अब आई पूजती सचिव उचित मत काऊ सब हसे मस्त करी राम। जो ही वो सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए अब क्या करना चाहिए। अब वे सब हंसे और बोले कि चुप ही रहिए इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते उतरा सुर तब श्रम नाही नर बानर के गिले के नाही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आप राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी ना। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि
अप्रसन्नता के या भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोरावन कहूँ बनी सहाई स्तुति करही सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा राता चरण शीश ते ही नावा। रावण के लिए भी यही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। उसी समय अफसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नभाया। उन सिरों नाई बैठ निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोही बाता मति अनुरूप कहाँ हित दाता। फिर वे सिर नभाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु अब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहो कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गुसाई सजौ चौधरी के चंद्र की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वो है स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का सुख भी न देखें। चौदह भुवन एक पति होई द्रोह कहीं नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अलग लोभ फल कही न को। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो वो भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही फलहु भजहिं के संत। हे नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए जिन्हें संत महापुरुष भजते हैं। बोलिए श्या कति रामचंद्र की हनुमान की। सात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। वो तुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल दाता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए
बेसेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही भयरो तजिनायु माथा प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहु बई देही, भजहु राम बिनु हे तु सनेही। वह त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अब जही लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझ जिय रावन। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागूं विनय करहूं दस तीर, परिहरि मान मोहम्मद अजहु कोस लादी। हे दशीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कोसलापति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही बचई एवा, तुरत समय प्रभु सन कही पाई सु अवसरता। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति बुजन, सो उर धरऊ जो कहे त्रिभिजन। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात कीर्तिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत करस कहत सठ दो, दूरी न करो कि हाँ है को, मालवंत रह गये भोरी, रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके पुर रही, नाथ पुराण निगम अस खाही, जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता, काल रात निसि जर कुल केरी, देसी ता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है,
उसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। सात चरण गही माधव राखव मोर दुलार, सीता देह राम कहूं अहित न होई तुम्हार। था धेता मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए क्या पति रामचंद्र की, कौन सुन हनुमान की।